नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गाय के महत्व के विषय में जानेंगे। गाय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो आइए साथियों जानते हैं गोपालनम गो सेवा। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। संसारे अस्मिन् बहवे पशवे सन्ति तेषु केचित् अरण्ये चराः केचित् ग्राम्याः पाल्याश्च सन्ति सोपकारिणे पशून् जनाः परिपालयन्ति तेषां सर्वेषां मध्ये गवां महत्वपूर्णं स्थानमस्ति। गो अस्माभ्यं दुग्धं ददाति येन अस्माकं शरीरं पुष्टं भवति। कृषि प्रधाने भारतदेशे गवां अमितं महत्वम् अस्ति। गो कृषि करणाय वृषभं ददाति तस्याः गोमयेन उर्वरकं संजायते येन अधिकतरं अन्नोत्पादनं भवति। गवां दुग्धं मलमूत्रं चर्मं श्रृंगं अस्थि च सर्वाणि एव मानवोपकारकाणि सन्ति। अतएव देशे विदेशे च गावः परिपाल्यन्ते। अस्माकं देशे गो अस्माकं माता, गो सेवया पुण्यं भवति। गो संवर्धनम अस्माकं धर्मे चैति धारणा महत्वपूर्णा वर्तते। तो आइए साथियों, अब हम अनुवाद के माध्यम से जानते हैं। अस्मिन् संसारे, इस संसार में बहवे बहुत पशवे पशु सन्ति हैं। इस संसार में बहुत पशु हैं। तेषु केचित् उनमें कुछ अरण्य चरा जंगल में चलने वाले, केचित् कुछ ग्राम्या पाल्याश्च गांव में पालने योग्य सन्ति हैं। तेषु केचित् अरण्यचरा उनमें कुछ जंगल में चलने वाले, केचित् ग्राम्या पाल्याश्च सन्ति कुछ गांव में पालने योग्य हैं। सोपकारिणे पशून् जना परिपालयन्ति सोपकारिणे अपना उपकार करने वाले पशून् पशुओं को जना परिपालयन्ति लोग पालते हैं। सोपकारिणे पशून् जना परिपालयन्ति अपना उपकार करने वाले पशुओं को लोग पालते हैं। तेषां सर्वेषां मध्ये गवां महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति उन सबके बीच में गायों का महत्वपूर्ण स्थान है। तेषां सर्वेषां मध्ये उन सबके बीच में गवां महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति गायों का महत्वपूर्ण स्थान है। गो अस्माभ्यं दुग्धं ददाति गाय हमें दूध देती है। गो अस्मभ्यम दुग्धम ददाति गाय हमें दूध देती है। येन अस्माकं शरीरं पुष्टं भवति जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। येन अस्माकं शरीरं पुष्टं भवति जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। कृषि प्रधाने भारत देशे गवां अमितं महत्वम् अस्ति कृषि प्रधान भारत देश में गायों का अमित महत्व है। गो कृषि करणाय वृषभम ददाति गाय खेती करने के लिए बैल देती है। गो कृषि करणाय वृषभम ददाति गाय खेती करने के लिए बैल देती है। वृषभम मीन्स बैल। तस्याः गोमयेन उर्वरकम संजायते उसके गोबर से खाद बनाया जाता है। तस्या गोमयेन उर्वरकम संजायते उसके गोबर से खाद बनाया जाता है। येन अधिकतरम अन्नोत्पादनम भवति जिससे अधिकतर अन्न उत्पादन होता है। येन अधिकतरम अन्नोत्पादनम भवति जिससे अधिक अन्न उत्पादन होता है। गवाम दुग्धम मलमूत्रम चर्मम श्रृंगम अस्थिम च सर्वाणि एव मानवोपकारकाणि सन्ति। गवाम दुग्धम गायों का दूध, मलमूत्रम मलमूत्र, चर्मम चर्म, श्रृंगम सींग, अस्थिम च हड्डी सर्वाणि एव मानवोपकारकाणि सन्ति सभी ही मानव का उपकार करने वाले हैं। गवाम दुग्धम मलमूत्रम चर्मम श्रृंगम अस्थिम च सर्वाणि एव मानवोपकारकाणि सन्ति। गायों का दूध, मलमूत्र, चर्म, श्रृंग और हड्डी सभी ही मानव का उपकार करने वाले हैं। अतः इसीलिए ही देश और विदेश में गावें परिपाल्यन्ते गायें पाली जाती हैं। अस्माकं देशे गो अस्माकं माता हमारे देश में गाय हमारी माता। गो सेवया पुण्य भवति
गाय की सेवा से पुण्य होता है। अस्माकं देशे गो अस्माकं माता, हमारे देश में गाय हमारी माता, गो सेवया पुण्य भवति, गाय की सेवा से पुण्य होता है। गो संवर्धनम अस्माकं धर्मे चैति धारणा महत्वपूर्णा वर्तते, गो संवर्धन गायों को बढ़ाना अस्माकं धर्म हमारा धर्म है, चैति इस प्रकार धारणा, इस प्रकार की धारणा महत्वपूर्ण है। गो संवर्धनम अस्माकं धर्म चैति धारणा महत्वपूर्ण वर्तते, गो संवर्धन हमारा धर्म है, इस प्रकार की धारणा महत्वपूर्ण है। तो विद्वान साथियों, गाय के प्रति एक श्रद्धा की भावना, एक सेवा की भावना, और गाय हमारी माता है ऐसे विचार रखना एक बहुत बड़ी एक पुण्य की बात है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।